लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग से दो दिन पहले डीएम के उम्मीदवार कनिमोझी के घर इनकम टैक्स का छापा। डीएम के अध्यक्ष एमके स्टालिन का प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप, कहा हार के डर से प्रधानमंत्री ये सब करा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का प्रचार थमा, 18 अप्रैल को 13 राज्यों की 95 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु के वेल्लोर में करोड़ों रुपए बरामद होने के बाद 18 अप्रैल को होने वाला चुनाव रद्द, चुनाव आयोग की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनावी सभा में खुलेआम अधिकारियों को धमकी दी, चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। टीएमसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने वाले बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद का वीजा रद्द, भारत छोड़ने का आदेश। शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा समाजवादी पार्टी में शामिल, लखनऊ से गृहमंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी, कांग्रेस ने लखनऊ से प्रमोद कृष्णम को टिकट दिया। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को उजागर करने के बाद जेल भेजे गए राइटर्स के दो खोजी पत्रकारों को पत्रकारिता का प्रतिष्ठित पुलित्जर अवार्ड मिला। और आईपीएल में लगातार दो हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब जीती, राजस्थान रॉयल्स को 12 रन से हराया।